सुबह फरहत उठ के देखता है सायरा नहीं है, तो वो इधर उधर ढूंढता है। दरअसल सायरा नीचे ब्रेकफास्ट बना रही है। शफीका कहती है, छोटी दुल्हन क्यों जहमत किया, हम है ना। सायरा कहती है, आप प्लीज़ खुद को थकाए ना, आज मैं अपने शौहर के लिए खाना बना रही हूँ, सुल्तान को सुना के कहती है। लतीफ़ आकर सायरा को देखते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं, सायरा साहिबा आप यहाँ। सायरा फरहत का बताती है तो लतीफ़ कहते हैं, फरहत बहुत खुश होंगे। सी लतीफ़ तो रोबोट है, हालिस की देखभाल करते करते शादी करना भूल गया। हालिस ने कहा, इससे अच्छे से पेश आओ तो चुपचाप अच्छे से पेश आ रहे। याद है एक बार सायरा को कैसे इंसल्ट किया था। एनीवेज फरहत लतीफ़ को कॉल करते हैं तो लतीफ़ कहते हैं, सायरा आपके लिए सरप्राइज़ रखी है। फरहत भी लाइक, ओ मेरी प्यारी बीवी। अरे हाँ, बीवी से फरहत को याद आया, पेलिन को अनब्लॉक करूँ कि नहीं। आह चलो छोड़ो, सायरा अभी सही जा रही है, थोड़ा सायरा का तकिया सूंघ लेता हूँ। नीचे लतीफ़ कहता है, हालिस साहब की मरहूम बीवी आखिरी ऐसी लेडी थी जो ऐसा किया करती थी अपने शौहर के लिए, आपको ऐसा करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। सायरा खुश होती है, बाकी सबको सॉरी कहती है डिस्टर्ब करने के लिए और चली जाती है। सुल्तान जेलस। शफीका कहती है, घर की कोई लेडी ऐसी नहीं थी, छोटी दुल्हन अलग है। लतीफ़ कहता है, आइंदा उन्हें छोटी दुल्हन नहीं कहना, सायरा साहिबा या दुल्हन साहिबा कहना, गॉसिपिंग मत करना। सुल्तान कहती है, इफ़ाकत साहिबा नीचे नहीं आएंगी खाना खाने। शफीका कहती है, ठीक है मैं खाना भेज देती हूँ। लतीफ़ कहता है, क्या मतलब, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मुझसे परमिशन लेना होगा, तुम लोग मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं करोगे। हाली साहब सबको नीचे आने कहते हैं तो सबको नीचे आना होगा। लतीफ़ के जाने के बाद सब कहते हैं, बाप रे ये तो टॉर्चर कर रहे हैं। सायरा फरहत के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। फरहत कहता है, ओ मेरी प्यारी बीवी तुम पर कुर्बान जाओ। सायरा पे हंसी आ रही है, कल रात कह रही थी तुम्हें मेरा भरोसा जीतने के लिए मेहनत करनी होगी, सुबह उठ के खुद मेहनत करने लगी फरहत को इम्प्रेस करने के लिए। फरहत कहते हैं, बहुत टेस्टी है। सायरा कहती है, मैं तुम्हारे हर अच्छे काम के लिए इस तरह इनाम रखूँगी और बुरे काम के लिए सज़ा रखूँगी। ओ अच्छा, वैसे ये इनाम किस लिए था। फरहत कहते हैं, सुबह उठ के नाश्ता बनाने की ताकत तुम्हें मेरे प्यार से आई है ना, सच बताओ तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ होगा है ना, मुझे तजस्सुस हो रही है। सायरा ब्लश तो करती है पर कहती है, कुछ घंटे पहले तुम ही कह रहे थे आई लव यू सायरा, अब क्या हुआ। फरहत हंसने लगता है, अंदर सोच रहा होगा वो तो वक्त की नज़ाकत देखते हुए। एनीवेज फरहत कहते हैं, दिल से कह दिया करो आई लव यू। सायरा कहती है, तुम्हें ही आदत होगी हर बात पे आई लव यू कह देने की, मुझे नहीं है, तुम्हें डिजर्व करना होगा इस बात के लिए। फरहत कहते हैं, मैंने तुम्हारे डैड को जान पे खेल के बचाया और क्या चाहिए। सायरा कहती है, अभी तुम्हें बहुत वेट करना होगा। हर बार सायरा फरहत को सर पे चढ़ाती है, फिर बीच में थोड़ा सीरियस होकर लेक्चर देती है, फरहत इग्नोर कर देता है। फरहत इनाम मांगता है और सायरा को किस करता है गाल पे, सायरा ना ना करके किस एंजॉय कर लेती है। इधर ओरहान हालिस को लेकर टेंस्ड है, गुलगुन पूछती है कि कुछ छुपा तो नहीं रहे। ओरहान बस ये कहते हैं कि डैड कंपनी आते रहे तो ही अच्छा है। गुलगुन उसे किस करती है तो फरहत आके देख लेता है, गुलगुन शर्मा जाती है। फरहत कहते हैं, माशाल्लाह, ओह सो शेमलेस यार, ना देखने का नाटक ही कर लेता। ओरहान कहते हैं, अपने बेटे को समझाना कि नॉक करके आए। एग्जैक्टली ओरहान के जाने पर फरहत कहते हैं, आप लोगों में सब ठीक है। गुलगुन कहती है, हाँ ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फरहत टाल देता है और कहते हैं, मुझे कुछ कहना है, सायरा से मत कहना। गुलगुन कहती है, पेलिन के बारे में है तो सोचना भी मत। इफ़ाकत देखती है सुल्तान ब्रेकफास्ट नहीं लाई, सुल्तान लतीफ़ का बताती है। इफ़ाकत कहती है, ये आदमी इसी दिन के इंतज़ार में था, तुम और बाकी सब लतीफ़ के खिलाफ जाओ, शफीका को भड़काओ ताकि वो हालिस से बात करे, तुम और तुम्हारी बेटी लतीफ़ से कहो कि तुम लोग नौकरी छोड़ रहे हो। सुल्तान डरती है तो इफ़ाकत कहती है, भरोसा रखो मैं आबिदीन को समझाऊंगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं हालिस साहब से कहूंगी कि मैं यहां से जा रही हूं। हालिस साहब घर को बिखरता देख लतीफ़ को डांटेंगे। सायरा पागलों की तरह नाचते हुए सुना के पास आती है, सुना के साथ साथ मैं भी हैरान कि आखिर हुआ क्या ऐसा। सायरा कहती है, फरहत ने कल रात मुझे आई लव यू कहा, रो भी रहा था। सुना भी लाई, क्या सच में, ओ वेट, इसलिए सायरा ने ब्रेकफास्ट बनाया और इतनी खुश है, इसलिए इतना मेहनत। आई नो ये लोग थोड़े मासूम है, पर अभी अभी सायरा ने कहा फरहत से कि तुम ऐसे ही तो बोल देते हो सबको आई लव यू, पर मुझे आदत नहीं है। पर सायरा ने खुद फरहत को सीरियसली ले लिया। आई एम शॉक्ड। सायरा एक एक बात फ्लोर पर रोल करते हुए बताती है, आई मीन इतनी खुश है इसलिए। सुना कहती है, पहले से ही पता था मुझे ये। सायरा कहती है, पर उसके मुंह से पहली बार सुना ना, आए हाय। सुना कहती है, तुमने क्या कहा, कुछ हुआ क्या उसके बाद। सायरा कहती है, हट इतनी आसानी से, उसने मुझे धोखा दिया था, दिल तोड़ा था, कल वो वापस वैसा ही करने लगेगा तो। इतनी आसानी से उसके जुमलों पे यकीन नहीं कर सकती, उसे मेहनत करनी होगी। अरे तो ये सब क्या था फिर। सुना कहती है, आई लव यू कह दिया और क्या चाहिए। ओ वाओ सुना, अब देखो फरहत क्या करते है, काम पे जाता है नींद के हालत में, ब्लॉक लिस्ट बार बार देखता है, पेलिन की कॉल्स आई हुई है, बहुत सोच के अनब्लॉक कर ही देता है। पेलिन को कॉल करता है, पूछता है कैसी हो। पेलिन कहती है, तुम्हें जानना है कैसी हो, पता है तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को कॉल करके पूछा कि आप यहाँ कब आ रही हो, अब ये सब भी सहना पड़ेगा मुझे। फरहत कहते हैं, मुझे नहीं पता था यार। पेलिन कहती है, ठीक है फरहत आइंदा कॉल मत करना वरना बीवी तुम्हें पकड़ लेगी। फरहत कहते हैं, ठीक है एक नए नंबर से मुझे कॉल करना, मुझे बात करनी है। पेलिन बी लाइक,
मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो, नया नंबर ले लूँ, क्या बात करनी है तुम्हें? फरहत कहते हैं बहुत बातें करनी है। यार यही बातें तो फरहत में यूनिक है। सीरीज़ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा वाला कैरेक्टर इतना बेवकूफ़ है कि धीरे धीरे आप विलेन को सपोर्ट करने लगते हैं। मैं भी धीरे धीरे फरहत को सपोर्ट करने लगी हूँ। अब फरहत को बतूल मिल गई, ये वही है जिससे फ्लर्ट कर रहा था वो। अगेन करता है, बतूल भी लाइक क्या हुआ फरहत? फरहत भी लाइक यार बतूल थक चुका हूँ, कॉफ़ी लाना प्लीज़। फिर दोनों ब्लश करते हुए एक के बाद एक बैड जोक्स मारते हैं जो बिल्कुल फ़नी नहीं है, पर दोनों ज़बरदस्ती हंसते हैं। फरहत कहते मुझे एक दोस्त चाहिए थी यहाँ, वरना मैं बोर हो जाता। बतूल कहती है मैं हूँ ना। दोनों हाई फाइव करते हैं। हाँ हर जगह एक एक चाहिए होता है वैसे, घर के लिए, बाहर के लिए और ऑफिस के लिए। और फुआत ने देख लिया, कहता है बतूल क्या कर रही हो? बतूल कहती है ओरहान सर को फाइल देने जा रही हो। फुआत कहते हैं अगर ज़िंदगी भर एक ही डिपार्टमेंट में नहीं रहना है तो अपने हरकतों पर गौर करना। बतूल चली जाती है। फरहत कहते हैं क्या हुआ भाई? मैं उसे बस हंसा रहा था। फुआत कहते हैं हैरान नहीं हूँ मैं, यहाँ के लोगों को अपने बकवास जोक से कन्फ्यूज़ मत करो। फरहत कहते हैं क्या बकवास, हमने बस दो मिनट हंसा। आप लोग यहाँ काम करके दुनिया को बचा नहीं रहे। फुआत कहता है हेयर वी गो, तुम्हें मजाक लगता होगा पर हम यहाँ सीरियसली काम करते हैं। फरहत कहते हैं हाँ करे, पर लोगों से थोड़ा अच्छा रिश्ता भी रखे। फुआत कहते हैं मुझे पता है तुम किस तरह के लोगों से और क्यों रिश्ता रखते हो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। हाँ फाइनली समवन से एडिट। इधर फरहत दादाजी को फाइल देता है और ऑफिस के दूसरे दिन ही 2-3 घंटे के लिए छुट्टी मांगता है फरहत। नेपोटिज्म, दादाजी फिर भी बिना रीज़न के अलाउ नहीं करता। फरहत कहते हैं सायरा के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए इंतज़ाम करूँगा। हालिस कहते हैं सो स्वीट, फिर भी परमिशन नहीं मिलेगी, मुझे यकीन दिलाओ। फरहत कुछ कहने वाला होता है पर नहीं दिखाते। इधर काजिम हतूज को बताता है कि उससे अपने गांव के घर वाले ज़मीन को काम में लाना है। फिर हतूज को ऊपर से नीचे तक देखता है और मुंह बनाता है, यानी हतूज कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश हो गई है। पूछताछ करता है कि इतनी रेडी क्यों हुई है वगैरह। हतूज कहती है तुम्हें हिसाब दूँ मैं? काजिम को पता नहीं ये वाला आदमी कहाँ से मिला जिसका नाम है मतीन, वो ज़मीन के सिलसिले में इस आदमी को लाया है जिसका नाम है हमदी। काजिम सोचता है कि जवान आदमी क्या ही तजुर्बा रखता होगा, पर हमदी कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ इस मामले में। काजिम चाहता है कि उस ज़मीन से ऐसा कोई बिजनेस खड़ा करे जिसे इस्तांबुल से चलाया जाए। वो एक बॉस ढूंढने कहते हैं पर हमदी कहते हैं आप ही बॉस बने, हम साथ में बिजनेस चलाएंगे, मेरे पास कनेक्शंस है। काजिम बहुत खुश होता है। इधर सायरा फरहत को कॉल लगाई जा रही है। सोना कहती है काम कर रहा है वो। सायरा कहती है नहीं वहाँ लड़कियाँ है, पता नहीं क्या कर रहा होगा उनके साथ, मैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानती हूँ। सोना कहती है देखो तो मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है। हाँ सो कूल, वो रिश्ता ही कैसा जिसमें डर ना हो। सायरा तजस्सुस में ऑफिस जाने लगती है। गुलगुन को बताती है कि कैसे वो फरहत से रिश्ता सही कर रही है, गिफ्ट देने जा रही है। गुलगुन खुश होती है। हालिस महविश से पूछता है वो काम किया तुमने? महविश कहती है हाँ, फरहत को बाहर भेज दिया, फुआत और ओरहान को मीटिंग पे भेज दिया, कोई नहीं होगा यहाँ। हालिस कहते हैं गाड़ी भेजा ना उसके लिए? महविश कहती है हाँ साहब, अब ये ना पूछे कि पेट्रोल भरा था गाड़ी में कि नहीं। हालिस कहते हैं क्या करूँ, इतने दिनों बाद ज़िंदगी में एक फूल खिला है, उसका केयर तो करना होगा ना। अच्छा तो हालिस गुल खिला रहा है। फुआत ओरहान से आके कहते हैं कि दादाजी ने सारी फाइल्स देख ली, मुझे डर लग रहा है, फरहत को भी बता देना चाहिए हमें और शामिल कर लेना चाहिए। ओरहान कहते हैं बिल्कुल नहीं, आज तक सादिक को पता नहीं चला तो डैड को भी पता नहीं चलेगा, और फरहत को शामिल नहीं करना चाहता। फुआत कहते हैं अच्छा तो उसको बचाना चाहते हैं, पर आपने मुझे क्यों शामिल किया फिर? ओरहान कहते हैं तुम्हें मैं बस ऑफर कर रहा था और तुम मान गए, तुम ही मेरे लिए एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम हो घर में। तुम्हें लगता है कि फरहत हमारे सीक्रेट को संभाल पाएगा? फुआत कहते हैं वो तो हमारे घर का फेवरेट बेटा है ना। ओरहान कहते हैं ऐसा नहीं है, दादाजी बस पोता पाने के लिए उसको सर पर चढ़ा के रखे। फुआत का दिल टूट जाता है, कहता है हर बात इसी पे आती है कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। ओरहान कहता है कि ये डैड की सोच है। फुआत कहता है फरहत के बच्चे होने पर आपकी भी सोच ऐसी ही होगी ना। ओरहान कहता है तुम छुट्टी ले लो, आराम करो थोड़ा। फुआत उसकी तरफ देखते रहते हैं और ओरहान आंखें चुराता है। ओके दिन वीडियो खत्म।